श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। काफी अध्यात्म को लेकर के प्रश्न जो आते हैं उसकी एक विशेषता है। विशेषता ये है, स्वामी जी हमने कई महात्माओं को सुन के रखा है, जहां तक के ज्ञान की बात है हम में कोई कमी नहीं है। हम सब जानते हैं सुबह जल्दी उठना चाहिए, जानते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं। और बचपन में यही पढ़ा है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जानते हैं, प्रवचन दे सकते, मालूम सब कुछ है, लेकिन पता नहीं सत्संग सुन लिया, बाहर गए जूते पहन लिए, फिर वही तमाकू वही चूना, क्या करे, ये समस्या है। देखो मुझे एक अम्मा ने ये पूछा था कि स्वामी जी हम तो आपको कई सालों से सुनते आ रहे हैं लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा किसमें, मुझ में या तुम में, किसमें फर्क नहीं पड़ता, ऐसा क्यों होता है, क्या करे। हमने कहा देखो अम्मा, मैं हिंदी सिनेमा के गाने का शौकीन हूं। हिंदी में एक गाना है सिनेमा का, ठीक है, अभी रहन दीजिए, अभी रिलैक्स रिलैक्स, सूद है यो, इसको स्विच ऑफ कर, बस। तो एक सवाल तुम करो, एक सवाल मैं करूं, हर सवाल का सवाल ही जवाब हो, ये गाना है ना हिंदी का। जिनको ये गाना मालूम नहीं है उन्होंने अपना जीवन व्यर्थ गवाया। तो उस गाने में कहते हैं कि तुम मुझे जो प्रश्न पूछ रहे हो मैं तुमको प्रश्न पूछूंगा और उसका जो तुम जवाब दोगे वही तुम्हारे प्रश्न का जवाब होगा। और फिर अभी भी तुम्हारा मैं कुंकू कर रहा है, तो मैंने उनको कहा कि अम्मा मेरी भी तुम्हारे जैसी ही समस्या है। मेरी समस्या ये है कि मैं सुबह में 7 बजे नाश्ता करता हूं, फिर मुझे 11 बजे भूख लग जाती है, क्या करूं। कम ऑन स्वामी जी, इतना भी मालूम नहीं, खाना खा लो। हमने कहा उपदेश के लिए धन्यवाद, लेकिन क्या है 11 बजे खाने के बाद फिर शाम को 4 बजे भूख लग जाती है, फिर क्या करो, फिर से खाओ, नाश्ता कर लो, धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन 4 बजे खाने के बाद रात को 8 बजे फिर भूख लग जाती है, फिर मैं क्या करूं। अरे भैया फिर खाओ ना। हमने कहा अम्मा गुस्सा मत करना, मैं अपने प्रश्न अपनी समस्या आपके सामने रख रहा हूं। और देखो ये कहानी एक दिन की नहीं, रोज यही धंधा है, तो क्या करूं, बोले रोज खाना खाओ ना। इसी प्रकार से सत्संग हम साल में एक दिन करेंगे और कहेंगे कि पता नहीं हमसे कुछ होता नहीं, तो कैसे होगा। देखो महाराज, सब दुनिया को छोड़ छाड़ करके कन्हैया के पीछे लगने के लिए बाबा जीओं को पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा। देखो ये बहुत आवश्यक है समझने के लिए।
और नहीं हम चाहते हैं लेकिन होता नहीं। एक प्रकार के पेशेंट ऐसे हैं, हम चाहते हैं स्वामी जी सुबह जल्दी उठे लेकिन होता नहीं, क्या करें। अमेरिका की बात है, इलिनॉय की एक अम्मा थी डॉक्टर ने, मैं उनके यहाँ रहता था, तो उसने कहा मुझे कि स्वामी जी एक ही काम मैं नहीं कर पाती, आप मुझे मदद करिए। मैं क्या काम है बताओ, बर्तन धो दूं, तो यहां तो वही काम होता है। जब जब हमारे बर्तन धोने के प्रारब्ध सर के ऊपर में निकल आते हैं तब हम अमेरिका आते हैं, और किसके भी घर में जाओ हमको बर्तन धोने ही पड़ते हैं। तो यही हमारी साधना है, बर्तन धोने की साधना। तो बोले मैं सुबह में जल्दी उठ नहीं पाती, क्या करूं। हमने कहा कल सुबह से मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं, तो फ्रिज में से ठंडा पानी लेकर के शिवलिंग पर जैसा अभिषेक करते थे वैसे तुम्हारे सर पर अभिषेक करूंगा, उठ जाना। नहीं मैं चाहती हूं लेकिन होता नहीं, ये दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या ये है, हम कर सकते हैं लेकिन क्यों करें। सुबह उठना कोई डिफिकल्ट थोड़ी है, सुबह उठ के करेंगे क्या, इसीलिए नहीं उठते। 3 समस्या हो गई। यही बात हमारे अर्जुन की थी भगवद गीता में, अर्जुन का प्रश्न यही था कि मैं कैसे अपनों को मारूं, अपने दादाजी अपने गुरु महाराज अपने भाई उनको मैं कैसे मारूं। माने मारने की समस्या नहीं थी, दादा की भी समस्या नहीं थी, गुरु की भी समस्या नहीं थी, भाई की भी समस्या नहीं थी, समस्या थी अपने दादा को अपने गुरु को अपने भाइयों को कैसे मारू। यदि आपके गुरु हो आपके दादा हो आपके भाई हो तो मारने में मुझे कोई समस्या नहीं। देखो कथम भीष्मम हम संघे द्रोणम च मधुसूदन किशु भी प्रतिवत्स्यामी पूजा रहा वरिसूदन। भीष्माचार्य द्रोणाचार्य ये मुझे पूजनीय है, तो पूजनीय होने के कारण आपका स्पीकर कहाँ है, यहाँ है क्या, ये स्पीकर को बंद कर दीजिए, इसको निकाल दीजिए प्लीज। देखो अब नहीं होगा, देखो उसमें से क्या होता है आवाज खींच लेता है और इसको इको आ जाता है। तो अर्जुन की समस्या यही थी, सुबह कैसे उठे, चाहते हैं होता नहीं। तो जब अर्जुन रो रहा था मैं चाहता हूं लेकिन नहीं कर सकता, मैं नहीं चाहता हूं क्या करूं क्या करूं, तो ऐसे रोते हुए अर्जुन को भगवान ने बड़ा प्यार से नहीं समझाया। देखो रामचरितमानस में आता है कि एक बार गरुड़ जी को बड़ा गर्व हो गया कि मैंने तो भगवान राम के जो सांप के पांच थे वो खुलवाए, मैंने रामचंद्र जी को मुक्त किया है, तो मैं तो राम से बड़ा हो गया। और फिर अपनी डिंग हांकने के लिए पहुंच गए शिव जी के पास, तो शिव जी ने कहा कि मेरी मीटिंग है अभी कॉल है आई कैन नॉट टॉक टू यू, इसीलिए आप गरुड़ जी के पास चले जाओ। तो गरुड़ जी के नहीं काकभूषण जी के पास चले जाओ, तो गरुड़ जी चले गए। तो वहां पत्नी थी शिव जी की, उन्होंने कहा अच्छा आजकल आप भी झूठ बोलने लग गए, आपको कहां मीटिंग है, आपको तो कोई मीटिंग है नहीं, वो बेचारा इतने दूर से आया आपने उसको एंटरटेन नहीं किया। उस समय शिव जी कहते हैं खग ही जाने खग की भाषा, उसको मैं नहीं समझा सकता हूं। इसी प्रकार से बेवकूफ दुखी व्यक्ति को प्यार से नहीं समझाया जा सकता। हिंदी में कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो अर्जुन जब रो रहा था तो ऐसे रोते हुए अर्जुन को भगवान ने क्या कहा,
भगवान ने कहा क्लैब्यम्मास्म गम पार्थ न ही तत्वय उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, क्लैब्यम मास्म गम, नपुसकता को प्राप्त मत हो। नपुसक किसको कहते हैं? जिसमें कार्य करने का उत्साह नहीं होता उसको नपुसक कहते हैं। ऐसे जो नपुसक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको उनका एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत है आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। कम ऑन, परसों भी क्या करना, जीना है अब बरसों। ऐसे जो आलसी लोग हैं, उनके साथ प्यार की बात नहीं हो सकती। एकदम डट के भगवान ने उसको लताड़ दिया। देखो, जीवन में ये दो शक्तियों को जागृत करना माने अपने आप को पहचानने के लिए तैयार होना, डिस्कवर योरसेल्फ। अपने स्वरूप को डिस्कवर करने के पहले अपनी जो आत्मशक्ति है, आत्मबल है, उस आत्मबल को जागृत करना चाहिए। देखो महाराज, हम लोगों की स्पिरिचुअलिटी आध्यात्म कैसा है? हमारा आध्यात्म है 5-स्टार स्पिरिचुअलिटी, एसी, यूसी, डीसी, आईसी, चारों तरफ से हो। तब ड्राइंग रूम में बैठकर के लोगों को उपदेश देना, ये हमारी स्पिरिचुअलिटी है। यहां तक अपना जीवन है ठन ठन पाल। देखो महाराज, आध्यात्म में प्रवचन देने के लिए कोई अकल नहीं लगती, इसीलिए हम ये काम करते हैं। दूसरों को उपदेश करना है बड़ी आसान बात है। असली अध्यात्म होता है इन दो शक्तियों की जागृति करना। पहली शक्ति है कि हमको अपने जीवन में यह समझना है, सेल्फ डिस्कवरी या डिस्कवर योर सेल्फ माने ये समझना है कि अध्यात्म अपने पर लागू होता है, दुनिया के साथ केवल प्रेम का व्यवहार। हमारे पंडित जी ने बड़ी सुंदर बात कही, नारद भक्ति सूत्र का सूत्र आपने बताया। साधु संत कौन होते हैं? कहते हैं तीर्थी कुरुवंति तीर्थानी। किसी भी तीर्थ क्षेत्र की महिमा वहां के नदी नाले पेड़ पौधे मंदिरों से नहीं होती। किसी भी तीर्थ क्षेत्र की महिमा होती है वहां रहने वाले साधु संतों के कारण। और साधु संत कौन होते हैं? साधु संत वो होते हैं कि जिनका ज्ञान उनके जीवन में पूरी तरह से उतरता है। देखो, आपने देखो कि हमारे जैसे हम लोग जो है ना, हम टेलर मेड बाबा जी है। लाल पीले कपड़े पहन लिए, बाबा जी बन गए, और फिर पब्लिक को उपदेश करना है। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधोद्भवम वेगम। तो यह जो तीन दरवाजे हैं नरक के, काम क्रोध और लोभ, तस्माद एतत् त्रयम् त्यजेत्, इन तीनों का त्याग करना है। प्रवचन में तो बता दिया, काम क्रोध और लोभ ये नरक के तीन दरवाजे। और फिर बाद में कोई लेट आया, बीच में से कोई उठ के चला गया, तो बाबा जी को गुस्सा आता है, माने अब ये नरक के लिए बुक हो गए। देखो संतो, ये बहुत महत्व की बात है। दो बातें अध्यात्म का तात्पर्य, हमको बदलना है इसके लिए हम तैयार है, और हमको बदलना है इसके लिए हम हर समय प्रयत्न करेंगे। रेडीनेस टू चेंज वन सेल्फ एंड द एबिलिटी टू चेंज वन सेल्फ।
और यही बात भगवान कहते हैं क्लैब्यम आस्मगम पार्थ, ये मत कहो नहीं महाराज जी ये बड़ा डिफिकल्ट है डिफिकल्ट है। ये डिफिकल्टी मालूम है क्यों होती है? इसका महात्म्य हमको पता नहीं चला। जिस वस्तु का महात्म्य पता चलता है उसके लिए कठिनाई नहीं होती। अब मुझे बताओ, आप सभी लोग अच्छे खासे घरों के हैं, अच्छे खासे कमाते हो, पैसे की कोई समस्या नहीं है, कभी दुनिया में किसी ने ऐसा कहा क्या पैसे कमाना बड़ा कठिन है रे बाबा हम पैसा नहीं कमाएंगे? किसी ने कहा है? पैसे के प्रति हमारे मन में महत्व है ना, इसीलिए फिर ये न के न प्रकार ऋण, किसी भी प्रकार से, टेबल के ऊपर से पैसा, टेबल के नीचे से पैसा, टेबल के बगल से पैसा, कितने टेक्निक निकालते हैं ढूंढ ढांड के। देखो महाराज, ये इसलिए होता है कि पैसे के प्रति हमारे मन में महत्व है। जब तक के आध्यात्म के प्रति हमारे मन में महत्व नहीं होगा तब तक के हम इस मार्ग पर ना तो चल सकेंगे ना तो टिक सकेंगे और केवल केवल कंप्लेन ही करते रहेंगे। नहीं नहीं ये बड़ा डिफिकल्ट है। हाँ डिफिकल्ट है, पैसे कमाना डिफिकल्ट नहीं है। देखो महाराज, यही बात अर्जुन की हम सब लोगों में लागू होती है। तो पहले हमको अपने इस आत्मबल को जागृत करना है। डिस्कवर यू कैन डू इट, हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? देखो महाराज, तीन चार प्रकार की कृपा का वर्णन शास्त्रों में आता है। एक होता है ईश्वर कृपा, दूसरी होती है शास्त्र कृपा, और तीसरी होती है आत्म कृपा। अब ये तीन कृपाओं का अर्थ समझ ले। पहली बात, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा हो गई है, कैसे पता चले? तो जब हमारे जीवन में किसी साधु संतों का सत्संग का आगमन आता है वही ईश्वर की कृपा है। देखो, हमारे पाप पुण्य के बल पर साधु संतों के दर्शन नहीं होते, हमारे पाप पुण्य के प्रारब्ध के बल पर सत्संग प्राप्त नहीं होता। देखो संतो, ईश्वरानुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत वासना महत भय परित्राणात विप्राणाम उपजायते। अवधूत गीता में आता है कि ईश्वर के अनुग्रह से ही व्यक्ति के जीवन में आत्मचिंतन की एक ज्योत जग जाती है। देखो, जैसे बचपन में जब हम छोटे समय में रहते हैं तो उस समय पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बबल, सी फॉर कैट, वो आवश्यक है, लेकिन जिंदगी भर वही करते रहेंगे क्या? बचपन में हम पढ़ते हैं एक जमा एक माने एक दो, बहुत सुंदर लगता है छोटा बच्चा जब करता है, लेकिन अब आप एमएससी में हो और वहां भी गणित ऐसे ही करो, एक जमा एक एक दो ठीक लगेगा? इसी प्रकार से पूरी जिंदगी में केवल वही करते रहे कि देखो दूसरों से गुस्सा नहीं करना चाहिए और उसके बाद जो है ना सबका भला सोचना चाहिए, ये कब तक करते रहेंगे? देखो महाराज, हमको अपना उद्धार करना है इस दुनिया में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं छठवें अध्याय में, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। हम इस दुनिया में जो आए हैं ना अपने उद्धार के लिए आए हैं। दुनिया का भला करने का सोच दो, छोड़ दो। देखो, हमारे मुंबई में एक बहुत बड़े संत महात्मा हो गए जिनका हमारे जीवन पर बहुत जबरदस्त प्रभाव है। एकदम अनपढ़ थे, पान बीड़ी तमाकू की दुकानें थी उनकी, और
खूब बढ़िया तम्बाकू खाते थे, बीड़ी पीते थे, मांस मछली खाते थे, लेकिन उनके पास विश्व के सभी दिग्गज लोग पहुंच जाते थे। ना उनका कोई आश्रम है, ना कोई चेले चपाते है, ना कुछ है, बोले कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो जब उनके पास कोई पहुंच जाता था, क्योंकि वो दुकानदार थे, कोई पहुंच जाता था, कहते थे महाराज जी आजकल जो है ना हमारे समाज में नैतिकता का अधपतन हो गया, देखो द कैरेक्टर ऑफ द पीपल इज गेटिंग डाउन, करप्शन बढ़ गया है, नैतिक मूल्य समाप्त हो गए हैं, क्या करें। जब ऐसे लोग पहुंच जाते थे तो वो कहते थे ये माल हमारे दुकान में नहीं मिलता, किसी और दुकान में जाओ। देखो महाराज कितनी महत्व की बात है। और उनका कहना था, वो कहते थे ऑल दोज हु हैव कम टू सेव दिस वर्ल्ड दे ऑल वर शेव्ड ऑफ। देखो भगवान राम आए, राम राज्य हो गया, कहां गया। भगवान कृष्ण आए, अपने द्वारका भी नहीं बचा सके, उनके सामने अभिमन्यु को युद्ध में भीष्माचार्य द्रोणाचार्य ने सबने मिलकर मारा, कुछ नहीं कर सके। इतने बड़े बड़े साधु संत आ गए दुनिया का भला करने के लिए, लेकिन दुनिया ज्यों की त्यों है। हमको उद्धार अपना करना है, देखो महाराज। और अपना उद्धार माने क्या, यदि हम में बदल आ जाए तो अपने अगल बगल में अपने आप आ जाता है, करना नहीं पड़ता। भगवद गीता के तृतीय अध्याय में एक श्लोक आता है 21वां, कहते यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनहा सहा यद प्रमाणम कुरुते लोकास्तदनुवर्तते। डार्विन के अनुसार हम सभी के सभी बंदरों के औलाद हैं। तो बंदर लोग कौन होते हैं, वो केवल मिमिक्री करते, एक दूसरे की नकल करते हैं। आप हमारे वृंदावन में चले जाओ, अगले बार जाओगे तो चश्मा निकाल करके जेब में रख देना, फोन हाथ से निकाल करके जेब में रख देना, क्योंकि वहां के बंदर इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, चश्मा उखाड़ कर ले जाते हैं। और उसके बाद जब उनको कुछ खाने के लिए उनको जो चाहिए, उनको फल नहीं अच्छे लगते, वो भी मॉडर्न हो गए, उनको कोई जैसे यहाँ का जो है ट्रॉपिकाना वो फेंक दो या कुछ दूसरी मिठाई दे, तब वो फेंकते हैं वापस में। और आजकल तो वो फोन भी ले जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कैसे लोग करते हैं वैसा वो करेंगे। इसी प्रकार से हम बड़े किस प्रकार का व्यवहार करते हैं उसके अनुसार दूसरा व्यवहार करेगा। अध्यात्म में हम में परिवर्तन लाना है, दूसरे में नहीं। देखो स यत प्रमाणम कुरुते, उन्होंने किसको प्रमाण माना है अपने जीवन में। देखो एक लड़का है अमेरिका का, ये हमसे बहुत प्यार करता है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। उसके दिमाग में एक बार आया, मैं कभी कभी उसके यहां जाके रहता हूं, बड़ा नहीं है, हार्डली 25 साल का होगा, लेकिन इस उम्र में उसने 2-4 ग्रेजुएशन कर लिए है, अब एक किसी कंपनी में है, बहुत जबरदस्त उसके तनखा तुनखा है, लेकिन एकदम वैराग्य की मूर्ति है। तो उसने मुझे कहा कि स्वामी जी मुझे संन्यास लेना है, तो मैं इंडिया में जाना चाहता हूं, मैंने ऐसा ऐसा स्थान सुना है, चुना है, जाऊं क्या। हमने कहा वहां मत जाना, वहां पैसों का धंधा है, फिर तुम ऋषिकेश चले जाओ, मैं तुम्हारा सब बंदोबस्त कर देता हूं, पैसे देने की कहीं जरूरत नहीं, जाओ और वहां पढ़ो, और वहां काफी बाबा जी लोग मिलेंगे आपको, एक नहीं दो नहीं हजार मिलेंगे, उनमें घूमो और अपना निर्णय लो तुमको क्या चाहिए दुनिया में। देखो क्या संन्यास जीवन का लक्ष्य है कि परमात्मा की उपलब्धि जीवन का लक्ष्य है।
देखो क्या अच्छी कार जीवन का लक्ष्य है या उस कार से किसी लक्ष्य पर पहुंचना है वो जीवन का लक्ष्य है। क्या पैसे कमाना जीवन का लक्ष्य है या मन की शांति जीवन का लक्ष्य है, ऐसे ये डिसाइड करो पहले। और फिर वो चला गया और वहां रहा, उसने काफी वेदांत के दो चार ग्रंथ पढ़े, संस्कृत पढ़ी और बाकी समय में वो बाबाजियों में घूमता था। हमने कहा कि एकदम पागल के जैसे रहो, बताना मत कि मैं अमेरिका का हूं, बड़ा पढ़ा लिखा हूं, बिल्कुल नहीं, एकदम बेवकूफ के जैसे रहो। एंड ऑब्जर्व, डोंट इवैल्यूएट। और फिर मैंने बोला जब तुम्हारा मूड होगा मुझे आके मिलो। फिर वो मुझे मिलने आया, मैं जा रहा था। हमने कहा बोलो चाहिए संन्यास दे दूं तुमको। बोले स्वामी जी मुझे आप जो बताएंगे मैं करूंगा। हमने कहा फिर वापस जाओ अमेरिका, जॉब करो और आगे क्या करना है ये तुमको अंदर से प्रेरणा मिलेगी, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। और जवान लड़का वापस आ गया, इतना उसके सामने में एक दर्जन शंकराचार्य को तोल के रख दूंगा, देखो लाखों करोड़ों पैसे हैं उसके पास, लेकिन वैराग्य की पराकाष्ठा है। हमारी स्पिरिचुअलिटी 5 स्टार स्पिरिचुअलिटी, देखो महाराज। और उसके जो प्रश्न है वो प्रश्न दुनिया को लेकर के नहीं है, वो प्रश्न ये नहीं है स्वामी जी ये बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे प्रश्न नहीं है, क्योंकि उसको आध्यात्म की कीमत मालूम हो गई है। देखो महाराज, मनुष्य के जीवन में ये दुनिया का भला करने का जो रोग है वही हमको प्रभु से दूर रखता है। भला होने दो, करो मत, करने में मैं पैदा हो जाता है, जैसे हमारे अर्जुन की बात थी। अर्जुन का यही था कि मैं कैसे करूं, मैं कैसे बड़ों को मारूं। माने भीष्माचार्य द्रोणाचार्य उनके सामने ये समस्या नहीं थी कि हम अर्जुन को कैसे मारे, लेकिन ये अपने आप को बड़ों से भी बड़ा समझता था और ये कहता था कि वो तो पूजा करने योग्य है, उनको मैं कैसे रिटेलिएट करूं। देखो अपने आप को हम क्या समझ के रखते हैं, इसी को कहते हैं, यह है सात्विक अभिमान। तामसिक अभिमान दुनिया के वस्तुओं को लेकर के होता है, आदमी उसका त्याग कर सकता है। राजसिक अनुभव जो अभिमान होता है, यह जो राजसिक अभिमान है वह कर्म के त्याग से हो सकता है, निकल सकता है जीवन से। लेकिन जो सात्विक अभिमान है उसको निकालना केवल प्रभु चरणों में समर्पण करने से ही हो सकता है। देखो महाराज, हर जगह हम चाहते मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैं दारू नहीं पीता, मैं मांस नहीं खाता, मैं मंदिरों में जाता हूं, मैं क्लब में नहीं जाता हूं, मैं। अपने इस आत्मशक्ति को, आत्मबल को जागृत करना है। और जागृति के केवल दो उपाय बताए भगवद गीता ने। पहला उपाय है कि हम अपने को बदलना चाहते हैं। दूसरा उपाय है कि हम अपने को बदलने के लिए सक्षम है। दो चीजों को करो। एक बार हम किसी महात्मा जी के साथ थे, बड़े महात्मा थे, और जहां हमको रखा गया था ऐसा स्थान था, वो इंडिया की बात है, क्योंकि वो महात्मा जी बड़े थे, बूढ़े थे, उनको स्टेप से ऊपर चलना संभव नहीं था, इसीलिए ग्राउंड फ्लोर में उनका कमरा रख दिया और उनकी सेवा में हम थे। तो हमारा कमरा एकदम उनके ऊपर में था। अब हम कहे नहीं कि हम नहीं रहेंगे, जो बताया वही करना है, लेकिन उस कमरे जाने के बाद हम कभी भी पैर में चप्पल नहीं पहनते थे,
नहाने के लिए, टॉयलेट के लिए, पेशाब के लिए धीरे से उतर करके दूसरे के बगल के घर में जाते थे। रात को 2 बजे हो, उनको बता दिया देखो मैं कभी भी आऊंगा, दरवाजा खुला रखना, नीचे हमारे महाराज जी बैठे हैं, हम रात को उठ करके फ्लैश चलाएंगे, खर 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 खर, नहीं 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 हम नहीं कर सकते, हम जब चलेंगे तो खट 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 खट, उनको आवाज से डिस्टर्बेंस होगा। देखो महाराज, ये जब हम करेंगे तो अपने में से आलस्य निद्रा प्रमाद अपने आप हट जाता है। भगवद गीता में शरीर की जो तपस्या है, शरीर की तपस्या यही बताया है, देव द्विज गुरु प्राज्ञ, उनके प्रति आदर का भाव हो, जिनके प्रति आदर का भाव होता है उनके साथ व्यवहार भिन्न प्रकार का होता है। देखो जैसे यहां कल्पना करो कि ये मार्बल की स्टेप्स है और जो भगवान के विग्रह है वो भी मार्बल के है। जब आप ये मार्बल की स्टेप्स पर पैर रखते हो तब आप अपने हृदय के भाव को देखो, और जब हमारे भगवान के सामने खड़े रहते हो वहां भी मार्बल को ही देख रहे हो, लेकिन ये दो दृष्टियों में क्या फर्क है? ये स्टेप्स के प्रति आदर का भाव नहीं है और विग्रह के प्रति आदर का भाव है। देखो यह अपने आप में जागृत करना है। देखो संतो ध्यान से सुनना, जब हम किसी को आदर देते हैं तो जिसको आदर दिया जाता है उसको कुछ लाभ नहीं होता। जैसे हम गए भगवान के सामने और बड़े प्रेम से प्रार्थना करी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, ये प्रार्थना करने से क्या भगवान को लाभ होगा? लाभ तो हमको होगा ना। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं तो प्लेट को लाभ होता है कि पेट को? लाभ अपने को होता है। और जहां जहां आदर का भाव जागृत हो जाता है वहां मैं नाम का जो ईगो है वो शांत होने लग जाता है। मुझे एक व्हाट्सएप आया था बड़ा सुंदर, इनो है ना वो फ्रूट सॉल्ट, क्या कहते हैं उसको, पेट की गड़बड़ी को ठीक करने वाला, इनो, हाँ उसमें आया था इनो, 6 सेकंड में सब कुछ ठीक। उसके नीचे ईगो, 6 सेकंड में सबका सत्यानाश। देखो इनो और ईगो, 6 सेकंड काफी है। यही चक्कर है महाराज, इसको ठीक करना है। इसीलिए भगवान कहते हैं अर्जुन को, क्लैव्य मास मगम पार्थ, डोंट बी ए वीकलिंग। नहीं 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 हमसे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम चाहते नहीं है, दूसरा कुछ नहीं है। ट्राई, सेल्फ डिसिप्लिन इज द फर्स्ट स्टेप ऑन एनी स्पिरिचुअल पाथ। सी फ्रेंड्स, जब यह अपने आप में ये शक्ति है इसको जागृत कर लिया ना, तब देखो आप जीवन का पूरा रंग बदल जाता है। लेकिन हम अपने को नहीं बदलना चाहेंगे और डायरेक्टली परमात्मा को चाहेंगे, ये नहीं हो सकता। देखो एक छोटी सी बात है, जैसे हम यहां आए, पंडित जी है और हमारे अरुण जी है। अब पंडित जी को पता नहीं हमारे बारे में, ये कहां से टपके बाबा जी, अब ये हमारे साथ लटके हुए। अब इनको यदि बोलना हो कि स्वामी जी के बारे में बताओ तो किसको ढूंढेंगे? जो इस कार्य के लिए लायक है उसी को ढूंढेंगे ना। इसी प्रकार से हमारी एक ही साधना है, हम इतने लायक बन जावे कि भगवान हमको चूज करे कि मेरा जो कार्य है इसके माध्यम से होवे। देखो संतो कितनी सिंपल बात है। एक बार मैनेजमेंट की हमारे कहीं
कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हमारा लेक्चर हो गया मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट माने मिसमैनेजमेंट इज द कंक्लूजन, देयर इज नथिंग लाइक मैनेजमेंट। तो वो लेक्चर में हमने ब्लफ ब्लूफ मार दिया, जो करना था वो कर दिया। उसके बाद एक इंजीनियर था लड़का, वो सब इंजीनियर ही थे, नए नए थे अप्रेंटिस जैसे, तो उनके सामने हमने लेक्चर दिया। पूना की बात है, तो एक लड़का खड़ा हो गया लेक्चर के बाद, स्वामी जी एक्सक्यूज मी, दिस इज नॉट द क्वेश्चन पर्टेनिंग टू व्हाट यू स्पोक टू अस, बट बिकॉज यू आर ए स्वामी आई वॉन्ट टू आस्क ए क्वेश्चन। ऐसे ओके आस्क, वॉट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। तो मैंने कहा कि देखो तुम बताओ तुम कौन हो पहले, ताकि मैं तुम्हारी भाषा में तुमसे बात करूं। तो बोले मैं इंजीनियर हूं, महेंद्र एंड महेंद्र कंपनी है ना, उसके सब इंजीनियर लोग आए हुए थे। तो मैंने कहा कौन से इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर हो क्या, सॉफ्टवेयर, बोले नहीं। फिर मैंने पूछा ईंट पत्थर के इंजीनियर हो क्या, माने सिविल इंजीनियर, बोले नहीं। फिर मैंने पूछा फिर क्या स्क्रू ड्राइवर के इंजीनियर हो, माने मैकेनिकल, बोले हाँ, बहुत बढ़िया, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। फिर मैंने इसको कहा मेरे पास 3 स्क्रू ड्राइवर है, एक बक्से में पड़े हैं, अब मुझे किसी का स्क्रू टाइट करना है, किसी का माने किसी मशीन का। तो मैंने एक स्क्रू ड्राइवर उठाया और उसको इस स्क्रू के गड्ढे में नीच में उसको फंसाया और घुमाने का प्रयत्न किया, लेकिन उस स्क्रू ड्राइवर का जो हेड है ऐसा चिकना है वो फिसल जाता है। तो मैं क्या करूंगा, उस स्क्रू ड्राइवर का निकाल के रख दूंगा। फिर दूसरा स्क्रू ड्राइवर लिया, उसको भी वैसा ट्राई किया, हेड तो फिट हो गया लेकिन उसका जो हैंडल है वो केवल हैंडल घूमता है, स्क्रू ड्राइवर नहीं घूमता। अरे यार क्या है, उसको भी रख लिया। फिर तीसरा स्क्रू ड्राइवर लिया, उसका सर भी ठीक से फिट हो गया और जैसा चाहूं वैसा मैं उसको घुमा सकता हूं। तो ये 3 स्क्रू ड्राइवर में से मैं कौन सा स्क्रू ड्राइवर सिलेक्ट करूंगा, थर्ड वन, इज इट नॉट। जब हम कोई भी कार्य करने के लिए योग्य इंस्ट्रूमेंट को चाहते हैं तो कन्हैया लाल अपना कार्य करवाने के लिए योग्य व्यक्ति को नहीं ढूंढ रहा है क्या? देखो संतो, हमारे इंडिया में आपको पता है रिजर्वेशन का एक चक्कर चलता है, जो हर चीज के लिए नालायक है वो गवर्नमेंट जॉब के लिए लायक होते हैं, रिजर्वेशन। देखो इसी प्रकार से हम ऐसे कहें क्या, नहीं स्वामी जी आप तो ठीक है, सन्यासी आपके लिए ठीक है, हम तो गृहस्थ है हमारे लिए कठिन है। तो क्या ये कहना चाहते हो कि गृहस्थों के लिए रियलाइजेशन का कोटा अलग से हो? देखो यदि आप ग्रस्त हो डिफिकल्ट है, इसका अर्थ ये निकलना चाहिए कि हमारी मेहनत ज्यादा हो, कंप्लेन नहीं। लेकिन यही चक्कर हो जाता है। जैसे एक बार की बात है मुंबई की, हमारा लेक्चर पूरा हुआ और हमारे लेक्चर में मौज में रहो, खुश रहो, आनंद में रहो, ये बेसिस होता है। तो वो बड़ी गुस्से में आई लेक्चर के बाद मेरे पास, कहती है आपको क्या होता है मौज में रहो कहने के लिए आप हमको चिढ़ा रहे हो, हमारे दुख को देख करके आप हमको और हमारे जख्म पर और नमक छिड़ रहे हो, मौज में रहो, शादी करके दिखाओ, मौज में रहो। माने क्या शादी करना ये किसी पर उपकार किए है क्या? इफ यू आर मैरिड इज इट ए क्वालिफिकेशन? सी फ्रेंड्स, क्लैब्यम मास्म गम पार्थ, डोंट हील टू दिस रॉन्ग इंपोर्टेंसी, डिस्कवर यूर इनर स्ट्रेंथ। और जब हम लायक हो जाएंगे, ध्यान से सुनना, तब प्रभु हमारे माध्यम से प्रकट होंगे। दैट इज द डिस्कवरी ऑफ द सेल्फ। देखो ध्यान से सुनना, एक बार यही की बात है, शायद फ्लोरिडा की ही है, कई साल पहले मैं आया था यहाँ एक
जैक्सनविल नाम का कोई स्थान है क्या? हाँ, एक बार मैं वहां आया था, हो सकता है 20-25 साल पहले की बात है। और ऐसा ही मंदिर था, और उस मंदिर में एक हमारे सत्संग के बाद एक हमारे प्रश्न पूछ रहे थे, एक दक्षिणी थे, साउथ इंडियन, और बड़ा बाकायदा पूरा सिंसियरली आए थे। लुंगी पहन ली थी, अंगवस्त्र था, और सब प्रकार के मार्किंग लगे हुए थे, डिश एंटीना था और क्रॉस बेल्ट था पूरे के पूरे। और हमको कहते हैं, स्वामी जी आपके जैसे मुझे भी ब्रह्म ज्ञान हो गया है, लेकिन सवाल ये है, लोग नहीं पहचानते कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ है, तो लोगों को पहचानने जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कैन यू गिव मी सम टिप्स? मैं चाहता हूं मेरा ज्ञान लोगों तक पहुंचे, लेकिन कोई भी मुझे मानता ही नहीं कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। आपको लोग मानते हैं ब्रह्म ज्ञानी है, आप टीवी पर आते हो, मुझे सीक्रेट बताओ क्या है। देखो महाराज, अब ऐसा किसी ने पूछा हो, बड़ा व्यक्ति हो, वयस्क हो, आप हंस भी नहीं सकते। सबसे बड़ा टॉर्चर मुझे होता है जब मैं कोई जोक बोलता हूं और सामने का आदमी समझता नहीं, हंसता नहीं, तो उस समय मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है कि किस बुद्धू से पाला पड़ा है। देखो, तो मैंने उनको कहा कि मुझे ये बताओ, तुम खाना खाने के बाद किसी को जाके पूछते हो क्या, मुझे बताओ मेरा पेट भर गया क्या? आपके खाने खाने के बाद आपका पेट भरा है कि खाली है, कोई अन्य व्यक्ति बता सकता है क्या? जब आपका पेट भर जाता है ना, तो आपको फिजियोलॉजिकल ओंकार प्रकट हो जाता है, ओ पेट भर गया, हो गया ना ओंकार प्रकट। इसी प्रकार से परमात्मा हमने पहचान लिया है जीवन में, उसके क्या लक्षण है? देखो, इसके लक्षण ये है। उदाहरण के लिए, जब हमारी जिह्वा को हमारे दांत काट लेते, कभी कभी होता है ना, खाते खाते एकदम जिह्वा कट जाती है, उस समय क्या हमारी जिह्वा दांतों को कर्ष करती है क्या? तुमने मुझे काट लिया, ठीक है चलो शाम को डेंटिस्ट के पास जाएंगे, उखाड़ के फेंक देंगे तुम, नहीं। उसी प्रकार से जब ये जिह्वा दो दांतों के बीच में अड़े हुए अन्न को निकालती है करोच करोच करके, और जब निकल जाता है तो दांत कहते हैं क्या, थैंक यू डार्लिंग, यू आर ऑलवेज हेल्पफुल टू मी। नो, देयर इज नाइदर ए कर्स नॉर ए ब्लेसिंग। देखो, हमको कई लोग कहते हैं स्वामी जी आशीर्वाद करो, हमने कहा भाई मुझे आज तक आशीर्वाद नहीं आया। आशीर्वाद करना माने क्या? देखो संतो, केवल प्रेम हो सकता है। हम क्या कह रहे हैं, प्रेम हो सकता है, करते नहीं है हम प्रेम किसी से। प्रेम करोगे तो प्रेम में गिरोगे। ये लड़का लड़की प्रेम करते हैं ना, आई हैव फॉलन इन लव विथ हिम, तो वेन यू फॉल यू गेट हर्ट, एंड दैट हर्टिंग इज कॉल्ड एज मैरिज। और मां का जो बच्चे के प्रति प्रेम होता है, तो मां बच्चे से प्रेम करती नहीं, प्रेम होता है। तो प्रेम जब होता है, माने वेर इट्स ए नाउन, यू राइज इन लव। स्त्री के या पुरुष के, किसी भी, किसको भी ले लो, स्त्री लो या पुरुष लो, सबसे श्रेष्ठ परमात्मा की अभिव्यक्ति मनुष्य के हृदय में होती है वात्सल्य भाव से। वात्सल्य माने जो गाय का अपने बछड़े के प्रति प्रेम होता है, देखो, जो शेरनी का अपने बछड़े के प्रति प्रेम होता है, उसको कहते वात्सल्य भाव। और वह वात्सल्य करता नहीं, वो होता है। इसी प्रकार से जब हम
हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो गए तो सबके प्रति प्रेम सहज होगा और वो प्रेम हम जताएंगे नहीं, वो होगा। जैसे यहां के लोग हैं ना, इनको तो कहना पड़ता है आई लव यू 1000 बार, आई लव यू भाई पकड़ लो आई लव यू। एक बहुत पुरानी मूवी है, आपने देखी होगी, टाइम हो गया अच्छा, नाउ आई विल स्विच ऑन टू इंग्लिश, दिस विल बी ए हाइब्रिड टॉक। नाउ सो फॉर दोज हु हैव नॉट अंडरस्टूड हिंदी, चीयर्स, नाउ आई विल टॉक इन इंग्लिश, एंड दोज हु हैव हर्ड हिंदी, यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश, दुखी रहो। इट इज ए चॉइस गिवन टू अस that the divine expresses through us in full glory. Like, if I got malaria, how do we know malaria or any disease? Be very attentive, it's a very subtle topic. How do we know it is a malaria or any disease? It is recognized, established from the symptoms. When others are having hot feeling, this patient of malaria starts shivering. So, malaria is established from the symptoms. We reach to the cause. Exactly the same way. How do we know that we have discovered the self? What are the symptoms? See. So, we go to the doctor and the doctor observes us, takes the readings and then diagnoses that you are suffering from malaria, take quinine. And when the quinine is given to the patient, and if the patient goes to his wife and he tells, honey darling, I don't like this bitter medicine, will you please take it on my behalf? And that dumb darling will take also. But will that remove the disease? Friends, on the spiritual path, there is no proxy. We have to live our life. We have to die our death. We have to practice our spiritual life. It is a path by the one, to the one, all alone, without feeling lonely. See, friends. And therefore, let the divinity express through us, rather than struggling for discovering happiness or discovering God. No. And what will be the expression of, the manifestation of the divine? Be very attentive. You know, in our laptops, we have got one icon. And there we can know whether it is functioning on the charge battery or it is functioning on the power supply. We can see that, is it not? Be attentive. Now, if God has to express through us, He must be present in us. Otherwise, how will He express? About this, I'll tell you a small story. There was one child, you know, a boy. And he asked me this question. In a school, I was talking. And he said, Swamiji, my Dadi Ma tells me God is in our heart. And do you agree with it? I said, yes, God is in our heart. Oh, good. That means there are two of us. One is me, I am in my heart, I am not in your heart. Yes. God is also in my heart. Yes. So, what I will do, I will give you a blow and say, God give you a blow, not me. So, I told him, you must be a descendant of Duryodhana. Duryodhana is to say, it comes, Janami dharmam nachame pravrutti, Janami adharmam nachame nivrutti, kenapi devena urdisthitena yathan yuktosmi tatha karomi. See, I know what is right, but I don't do that. I know what is wrong, but that I do. I think there is some God seated in my heart. Who is making me go wrong way? See, friends. So when he asked me this question,
I said, hey, you are the most genius person. Children's questions are genius. Elderly people have no questions. They have only complaints. They don't inquire, they only complain. Swami ji, hamare bachche sunte nahi, hamare kya kare? So, I told him, see, you did a wonderful job asking this unique question. Nobody has asked me this question till date. Therefore, in appreciation to your question, I give you this chocolate. I had some chocolate, I gave it to him. When he got the chocolate, I could see his eyes bright. He was very happy. I said, come on, eat. And he said, no. He put it in the pocket. I said, why don't you eat? He said, no. Then I said, give it back. He said, I will not give back. What is the reason? He gave a beautiful answer. I don't know how to tell you. Then he said, I will give it to my sister. I will not eat. Then I said, if she eats, she will be happy. What will you get? Again he was confused. What will I get? What will I get? Then he asked me another question. Swamiji, do you have a sister? I said, no. Then you will not understand. He has conveyed everything by that one answer. What he meant, that when I give to my sister, and when she becomes happy, I'll be more happy than if I eat myself. Be attentive. How do we know God is expressing through us? Or I, the ego, is expressing through us? How do we know? This is the litmus test. When we are happy by receiving the things, it is the jiva, the soul. And when we discover happiness in sharing and giving, it is the expression of the divine. Now find out. There was one mother, I was there, and she was telling her young daughter, the daughter was about 20, 22, some kind of hutpat was going on. So the mother was scolding the daughter, and the daughter didn't listen. Then the mother said, you will not understand what I am telling you now. When you will have your own daughter, and you will get the same reply from her, then you will understand. And now that girl is here in USA. Now the other day she met me, she said, Swamiji, remember when my mommy told me this, you were present? I said, yes, her words are coming true. I never listened to my mom when she was telling. Now my daughter gives me back in the same terms. See, friends, God expresses through us only in terms of wisdom, happiness, cheer, etc. So instead of struggling to discover happiness or God, express happiness through every action of yours. See, and it doesn't mean normally our understanding of happiness is what? All the time, ha ha ha, that is not happiness. Happiness is we live at a zero complaint level. No complaint about anything in this world. See? And for that, one very simple topic I'll tell you. Try. Give yourself a zero choice. More the choice we give, more miserable we are. Lesser the choice we give, less miserable we are. Give no choice, you are happiest. About this, I'll tell you one event. I was in Kathmandu many years before. I was pretty young that time. And I was staying with one Nepali family. And they had a daughter, about 7-8 standard, studying. Very sweet girl. So I asked her, I said, hey, I want to know something about Nepali culture. Tell me something about your culture. I know you are Hindus, but in addition to that, about culture. Oh God, Swamiji, I hate being called Nepali. The first thing she said like that. I said, look here,
यू मे गो एनी वेयर इन द होल वर्ल्ड, यू विल बी कॉल्ड नेपाली एंड एनी बडी विल कॉल यू नेपाली एवरी टाइम यू विल बिकम मिजरेबल. ऑन द कॉन्ट्री, इफ यू एक्सेप्ट ग्रेसफुली वॉट यू आर, दैट इज वॉट इज कॉल्ड एज लिविंग एट ए जीरो चॉइस लेवल. You all must be having, all of you have got walk-in wardrobes. Suppose you have to attend a marriage on 31st December 2015. So you will enter your wardrobe on 1st January 2015. In 1 year, kya pehnu, kya pehnu, kya pehnu, kya pehnu, kya pehnu. And with great difficulty, you select one particular type of your costume. Then you come to know, oh God, my sandals are not matching. See? How much time, energy? See? The toenails red. Then whatever you call the lower thing, there is red. Then the upper thing red. Then the kapda red. Then the .com red. And then bangles red. And then a ghadi red. Ram, 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 ram. If something doesn't happen properly, again we are frustrated. Try this simple rule. Give yourself a minimum zero choice. God is expressing through it. But normally what happens? We want the world to move according to our choice. See? And therefore we have nothing but complaint. And that is why God doesn't listen to our prayers. In the summer it is so hot. So we complain, oh God, it is so hot, it is so hot. Now naturally summer will be hot. But we complain. In summer there is heat, we complain. God says, okay, I'll give rains. Then it's okay. Then God switches off to the next mode, rains. When the rainy season comes, then again we complain. Oh God, it is two rains. God says, okay, I'll change. He takes the third mode, winter. And when the winter comes, again we complain. Oh, it is too cold, it is too cold. God knows. Anything you give to this fellow, he only complains. Then he will never listen to us. See, friends. Discovery of the self is not something that you are going to get out of the world. Discovery is your own unmanifest divinity will start expressing. And the expression of the divinity through us is under three categories. Number one, we live and we let others live. Don't get any time a thought in your mind, I want to retire. Never retire in life. Those who are retired, they are a burden to themselves. Till the last moment of our life, let the belt be tied, the shoes tied, gun in the hand, and fight the war of life. See? Otherwise, now I want to retire. And what do they are? Like a pig, sleeping, eating, eating, sleeping. Then Bhagavan will say, my dear, it is not your fault, it is my fault. Next life, I will lift you from the human body and put into pig body and keep on eating and sleeping. God has given us capacity to work. And whenever we are not actively busy in life, then all the negative things start coming. And the first negative thing is bhoga, bhoga, bhoga. Far away from the yoga. And after the bhoga, what comes is the rogue. See, friends. Many times, many years before, I'll tell you one of my experience. I had written, you know, one huge book in 5 volumes. That time I was very busy, extremely busy. And in between, if I used to get 10 minutes, 15 minutes, wherever I am, I used to immediately write down.
and that beautiful volumes have come out. Then when I took the next book for writing, then I decided, I think I will take 3 months break, go to a beautiful place and finish my writing. Break I took. I went to a beautiful place, but not one line I could write. That day I discovered a busy person alone is creative. See, friends, if you want to get job done in any place, don't find out a person who has got time. A person who has got time because he is good for nothing. Therefore, all the time is at his disposal. See, friends, therefore, live dynamically. Not indulgence, but creativity. See, friends, then God is expressing through us. See? Can any mother say that I retired from the motherhood? Think. It is not a burden. Carry this life dynamically till the last moment of life. Then God is expressing through us. Second thing, this is called a sadvastu, the pure existence. Second is the chidvastu, the knowledge. Don't deceive others and don't get cheated by others. Lead a very alert and vigilant life. We cheat ourselves the most. We deceive ourselves the most in life. See, friends. And the third is the Satchit Ananda. Ananda is you remain happy and don't make anybody miserable by your presence. And don't try to make anybody happy. Be very attentive. Why we should not try to make anybody happy, sir? Because we belong to a democratic setup. Everybody has a right to be miserable. Tathastu. Don't try to make happy. Bhagwan Ram failed to make Sitaji happy. Will you be successful? Don't get lost in there. You remain cheerful and happy. And the net result will be that you will be at peace with yourself. About this, I'll tell you an example. I was coming from Triveni Sangam, Prayag. After Shivratri, I had gone there to take the holy bath. And on our way back to Varanasi, we wanted to have some food, so we went to one big hotel, and it was raining also. So one gentleman came and he held me, it was raining, with umbrella, and slowly took me step by step to the table. I said, "Hey gentleman, thank you so much. Be my guest. Today you will be my guest. Take food with me. You help me." So he laughed. I said, "Why are you laughing?" "Yes, Swamiji, this is my hotel." I said, "Oh, very good. Give me free." Then we sat together. And then nobody gives you free. They will be asking questions. So they said, "Swamiji, I have been listening to you and I follow your principle. I am at peace. I am very happy. Everything is good and all that. What more in spirituality?" I said, "If I ask you something, you will get disturbed." He said, "No, you tell me." I said, "You are happy with yourself. Are your people around you happy with you? Your wife, your children?" "Swamiji, why did you ask that?" I said, "I told you first. Will you call it as happiness? You are happy, but because of you, others are miserable. Will you call it happiness? Then it will be like the terrorist. They are happy beheading and killing others. Do you mean that they are really happy?" Think, friends, the very presence of ours spreads the fragrance of divinity and everybody feels at home with ourselves.
Like if you see, you must have read also the life story of Chaitanya Mahaprabhu. Those days, 500, 600, 700 years before, when he was coming from Bengal to Vrindavan through the jungle and all that, along with him, all the wild animals, those who are inimical to each other, they joined with him, forgetting their enmity. Because with that great master, all the differences were dissolved. That is expression of God through us. Therefore, a simple thumb rule is, a person who is at peace with himself, he is at peace with the whole world. And when we are at peace with ourselves, we are in tune with the divine principle. This is the discovery of the self. So discover, something is already existing, but it is covered by the wrong notions. We have to remove those wrong notions, and the divinity is very much here. And there are three wrong notions. Number one, wrong notion about ourselves. Second thing, wrong notion about the world. Third thing, wrong notion about God. These three wrong notions have covered our own divine reality. Like the clouds in the sky are the result of the sunlight or the energy of the sun. And the same clouds cover the sun in the same manner. Our divinity is covered by these three wrong notions. When these wrong notions are removed, the divinity will manifest. It is possible. Klaibhyam Masma Gama Partha. It's not impossible. Everyone can, should, must. And only two things. Number one, spiritual practice means we have to change ourselves, not the world. Number two, we are ready to change ourselves. These two things happen, we are on the right track. Otherwise, our complaint, like in India, when the NRIs go, they complain about the traffic. You are driving the car and you are complaining about traffic. The question is, who has the driving license? The traffic or you? You should negotiate properly. Don't complain about the buffaloes on the road. They don't have a driving license. Om Purnamadaha Purnamidam Purnahat Purnamudachate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Hari Om Sri Gurubhyo Namaha Hari Om.